सितारगंज के सिडकुल रोड पर अपने मवेशियों के लिए घास काटने निकले युवक को एक तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैक्टर की बस ने रौंद डाला। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अभिलाषा पांडे का कहना है कि मृतक को 108 वाहन ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जिसके सर पर गहरी चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। ये रोड एक्सीडेंट में कहीं मृत अवस्था में मिला था, जिसको 108 द्वारा हमारे यहाँ से एसी सिलाई अगर इसके शरीर में काफ़ी जगह चोट के निशान है, सर पे भी काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। सुबह घास काटने के लिए दोनों जने सुबह बच्चे को स्कूल भेज भाग के घास काटने के लिए गए, तो बहू थोड़ा पीछे थी, वो नाला पार करके रोड पे निकल गया। तो रोड पे निकलते ही जैसे बस आई होगी, रॉन्ग साइड में था बस वाला और वो अपनी साइड में खड़ा था, बीच में जब बस आ रही थी तो खड़ा हो गया, तो बस कुदरत पता नहीं कैसे इधर को ला के दबा दिया गया उसको। तो ऐसे पता नहीं चला, ऐसे कहा कि किसी कंपनी की बस है, तो पुलिस और कोई गया है कंपनी में बस को देखने के लिए, देखो आगे क्या होता है।